प्रदेश की बात करें तो अमेरिका में भी एक कंपेन चल रही है इलेक्शन की, राइट, ट्रंप अभी कोरोना और वो सारा कुछ वहां में, जो अगर हम मिसाल देते हैं, हमेशा अमेरिका ही पाकिस्तान में माना जाता है और यूरोप की बात ही होती है, कभी कभी सिंगापुर और हम इसको भी ले आते हैं, हमने कभी गल्फ की बात नहीं की, ठीक है। तो जहां डेमोक्रेसी है हम यूके और अमेरिका की बातें ज्यादा करते हैं, हमने कभी कनाडा का जिक्र नहीं किया, हमने कभी नॉर्वे का जिक्र नहीं किया, स्वीडन का जिक्र नहीं किया, मोस्टली पहले ग्रोइंग जो हब था वो सिंगापुर था, अब कतर डिक्लेयर हुआ है, हमने कभी कतर को रोल मॉडल बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे बादशाह चल रही है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सिंगापुर में चूंकि बादशाह अपनी जगह पे कायम होगी लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी के साथ वो चल रही है। तो मैं जो बात अभी अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में क्या हो रहा है और प्रदेश में, कि प्रदेश में अगर कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो क्या वो सोबर है? वहां पे देखें एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होता है, वहां पे हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम राइज है, वो हमारे टैक्सों को पैसे जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट वो हमें सोशली सिक्योर करती है, इसी को सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। ये प्रदेश की बात है, देश में गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जिम्मे नहीं ले रखी। हर बंदा अपने इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्स सारे दे रहा है, पानी की बोतल खरीदनी हो टैक्स दे रहा है, सही, ये पेन लेना हो इस पे हम जीएसटी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट हमने टूथपेस्ट लेनी है उस पे, यानी ग्रोसरी के हर आइटम पे अगर आप ये देख लें कि ये अगर डबल हुई है तो उसमें टैक्स शामिल है, और उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे तो काम कर ही रही है, डायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज करके जो करंट हालात चल रहे हैं उससे गवर्नमेंट पाकिस्तान में केपीके में उन्होंने एक सेहत कार्ड तो दे दिया लेकिन सोशल सिक्योरिटी कार्ड तो नहीं दिया, सेहत उसका एक हिस्सा है, जैसे एलीट इनिशिएटिव को जो पावर्ड करी कंपनी अलियांस उसका हिस्सा है, ठीक है, वो सेहत कार्ड एक हिस्सा है लेकिन उसके सात एलिमेंट हैं, सेहत यानी एक सोशल सिक्योरिटी के सात एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी इनकम की प्रोटेक्शन होती है, आपकी हेल्थ की प्रोटेक्शन होती है, एजुकेशन की प्रोटेक्शन होती है, आपके जनाब डे टू डे एक्सपेंस के साथ साथ वेडिंग्स की प्रोटेक्शन खासतौर पर हमारे इस कल्चर में वो प्रोटेक्शन होती है, सेविंग्स होती हैं, आपको फंड जनरेट करना होता है, रिटायरमेंट को बंदा प्लान करता है सोशल सिक्योरिटी में, और उसके बाद अपने बिजनेस को उसमें रियल स्टेट मेन एक हब बन जाता है। तो ये जो सात एलिमेंट है वो जो यूनिक ऑफर है मेरी और वो जो एक प्रोग्राम है कि आप उसको फैसिलिटेशन ले सकते हैं, चाहे ये एलीट प्राइमस कार्ड के जरिए लें या आप एलीट के छोटे ब्रांड से शुरू करें, यानी 20 से 25,000 से शुरू करके ये 5 मिलियन तक की सारी चीजें आप पाकिस्तान में रहते हुए ये कर सकते हैं। ये इसी चीज पे होगा कि जो कुछ अमेरिका में अब इलेक्शन कैंपेन चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, वहां पे पर्सनलाइज्ड चीजें नहीं होती, वहां पे नजरियात पे बातें होती हैं, वहां पे यही कि कितने अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है, सोशल सिक्योरिटी कितना काम कर रही है, हेल्थ पे क्या, वहां पे ये इश्यूज हैं। हमारे यहाँ दाल चीनी आटा के इश्यूज बन गए हुए हैं, हमारे डे टू डे एक्सपेंस के इश्यू बन गए हैं।